भागलपुर पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद हाशिम को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद हाशिम पर हत्या, पुलिस पर हमला, हत्या का प्रयास और सामूहिक बलात्कार जैसे कई गंभीर आरोप हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र का निवासी हाशिम कई दिनों से फरार था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। शनिवार को भागलपुर सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना प्रभारी और डीआईयू की टीम शामिल थी। इस टीम ने हाशिम को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। टॉप 10 की सूची में शामिल तथा हत्याकांड में फरार अभियुक्त मोहम्मद हाशिम, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध 21 कांडों को इनको विरुद्ध दर्ज किया गया है। मोहम्मद हाशिम पिता फारूर अंसारी, फतेहपुर मंजूरी टोला, इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इधर भागलपुर में ही गिरफ्तारी हुआ। ठीक है, इनाम टॉप 10 में है। टॉप 10 में 21 कांड इनके विरुद्ध दर्ज हुआ। पहले 150/24 में हत्याकांड में भी फिरार चल रहा था रिसेंट में। सभी कौन सर, भागलपुर जिले में या दूसरे जिले में भी है? दूसरा जिला में भी है। भागलपुर 0 माइल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हत्या की साजिश को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने 2 सुपारी किलर और सुपारी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्योहारों के मद्देनजर अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए सघन गश्ती और छापेमारी अभियान चला रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र में एक 4-पहिया वाहन से 2 युवकों को देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए एडवांस लेने आए थे। वहीं तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने सुपारी देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स ने बताया कि उसने अपने साले, जो रेलवे में कार्यरत है, की हत्या करवाने के लिए सुपारी दी थी। भागलपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ को रोकथाम हेतु लगातार छापेमारी जा रही है। इसी क्रम में 25/10/24 को इंडस्ट्रियल एरिया थाना में वाहन चेकिंग करते समय 2 व्यक्ति, एक कैलाश कुमार और राकेश कुमार, एक देशी कट्टा, एक कारतूस के साथ पकड़ा गया है। उनके पूछताछ क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति को हत्या करने के लिए एडवांस लेने के लिए जा रहे थे और पूछताछ क्रम में हत्या करवाने को सुपारी देने वाले को भी गिरफ्तार किया है। उनका नाम है अरुण कुमार। इसी क्रम में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इतने सुपारी देने के लिए, मतलब ये 2 लोग हैं सुपारी लेने के लिए जा रहे थे। इनको, अरुण कुमार को, उनको साला एक रेलवे कर्मी है भागलपुर में, उनको हत्या करवाने के लिए ये चाहते थे। कारण अभी जांच चल रही है, क्यों कारण मोटिव है अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। भागलपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 मोबाइल धारकों को उनके खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन लौटाकर उनके चेहरों पर मुस्कान वापस लाई है। पुलिस ने 35 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिक को सौंपा है। वर्ष 2023 से अब तक भागलपुर पुलिस ने 499 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद थानों में दर्ज की गई शिकायतों की जाँच DIU की टीम ने की, जिसके बाद तकनीकी सेल की मदद से मोबाइल फोन को ट्रैक किया गया और सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया। पुलिस की इस पहल से मोबाइल धारक काफी खुश नजर आए। मैं सेलवा कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मेरा फोन पुल पे चोरी हो गया था और मतलब कि हम जा रहे थे टोटो पकड़ने और कब मेरा फोन कौन ले लिया हमको पता भी नहीं चल पाया। तो फिर वहीं पे मुजाहिदपुर थाना में हमने सनाद दर्ज करवाए और फिर सर वहाँ पे थे, SP सर थे उस टाइम। तो सर बोले कि आप मतलब टेंशन मत लीजिए, आपका फोन हम खुजवा देंगे। और 1 साल के बाद मेरा फोन मिला। हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे कि अब मेरा फोन मिलेगा भी। बाकी
जब फोन आया कि आपका फोन मिल गया तो हम बहुत खुश हुए कि फोन नहीं था और फोन अब मिल गया है, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर सारे भागलपुर जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट है सबको हम दिल से एकदम धन्यवाद देना चाहेंगे। भागलपुर पुलिस का जो ये अभियान है लगातार चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन मुस्कान का अभियान चल रहा है, जिसके तहत जितने भी लोगों के मोबाइल या तो कहीं गुम हो गए या कहीं चोरी हो गई या कहीं छिनतई हो गया, तो उन सभी मोबाइल को हम लोग, हमारी जो DIO की टीम है वो लगातार उसको ट्रैक करती है और उसको रिकवर करने का प्रयास करती है। और इसी कड़ी में पूरे 2023 में हम लोगों ने 304 मोबाइल को रिकवर करके और उनके वास्तविक जो धारक थे उनकी पहचान की गई और उनको वापस कराया गया। इसी प्रकार 2024 में अभी तक 195 मोबाइल, ये छठा चरण था जिसमें हम लोगों ने 35 मोबाइल को उनके जो वास्तविक धारक हैं उनको बुला के उनको सपोर्ट किया और उनके जो उनकी जो, चूँकि मोबाइल जो है आजकल के किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और वो जब गायब होता है तो व्यक्ति मायूस हो जाता है और जब वो वापस वो वस्तु मिलती है तो बिल्कुल उनके चेहरे पे मुस्कान लौटती है। और उसी कड़ी में भागलपुर पुलिस ने 35 लोगों की मुस्कान वापस लौटाने का काम किया है, जिसमें हमारे CTSP साहब इस पूरे अभियान का के इन्हीं के डायरेक्शन में पूरा अभियान चल रहा था। CTDSP अजय इसका नेतृत्व कर रहे थे, DIU की टीम इंस्पेक्टर रंजीत और अन्य हमारे पदाधिकारी और कर्मी इसमें लगातार लगे हुए हैं। भविष्य में भी जितने भी और भी मोबाइल का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, उसके डाटा हमारे पास आ चुके हैं, उस पर भी लगातार हमारी टीम काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के मूल्य के जो मोबाइल हैं वो अभी तक भागलपुर पुलिस के द्वारा उनके वास्तविक धारकों की पहचान करके उनको वापस किया जा चुका है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर कोढ़ा इलाके में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सुबह के समय वनकट्टा पोखर के पास युवक की लाश देखी और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें कि यह घटना 90 घंटों में तीसरी हत्या है जिसने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और FSL टीम का इंतजार कर रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इलाके में नशे का प्रचलन बढ़ने से आपराधिक घटनाएं हो रही है और युवक की हत्या भी नशे या ड्रग्स से संबंधित हो सकती है। युवक के सिर और शरीर के कई हिस्सों पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। वहीं घटनास्थल से मृतक की चप्पल करीब 200 मीटर की दूरी पर बरामद की गई है, जिससे यह अंदेशा है कि हत्या कहीं और करके सबको यहां फेंका गया है। फिलहाल मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वह इस इलाके का निवासी नहीं था। इससे पहले 24 घंटे के भीतर एक महिला और एक अन्य युवक की हत्या भी इसी क्षेत्र में हो चुकी है, जिससे लोग डरे और चिंतित हैं। फिलहाल पुलिस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या कहेंगे, यह लोदीपुर थाना क्षेत्र में यह दूसरी हत्या हुई है कल? हाँ, अगल बगल सिर्फ ब्राउन शुगर गांजा का अड्डा लगा रहता है, चाहे फील्ड हो, यहाँ पे महादेव स्थान हो, पूरा गाँव हो, चारों तरफ। कौन थाना क्षेत्र में पड़ता है? लोदीपुर थाना। तो लोदीपुर प्रशासन उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है? कंट्रोल कर रहा है, लेकिन प्रशासन के पास मजबूरी है, 5 ग्राम 10 ग्राम मिलेगा तभी वो ले जा सकते हैं। हम लोग बोले हैं, जैसे सर कोई बोले थे तो कहे वो मात्रा मिलेगा तभी, नहीं तो थोड़ा सा मात्रा में हम लोग ले नहीं जा सकते हैं, कलकत्ता जाना पड़ता है। तो ये इसकी पहचान हुई है, आप लोग पहचाने कौन है? अभी तो कोई नहीं पहचाना है, अभी तो प्रशासन एक आए हैं, देखिए जो 3 डेड बॉडी मिली है उसमें सभी डेड बॉडी में पोस्टमार्टम कराया गया है और जो मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके अगर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के गंगटा पोखर में एक महिला का छत बिछत अवस्था में शव बरामद हुआ है। शव लगभग 24 घंटे पुराना बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई और शव को पोखर में फेंक दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी। दरअसल छठ पूजा की तैयारी में घाट की सफाई कर रहे ग्रामीणों ने सबसे पहले शव देखा
जिसके बाद इलाके में यह खबर तेजी से फैल गई और सैकड़ों लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गंगटा पोकर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, जहां नशेबाजी और अवैध गतिविधियां होती है। लोगों का मानना है कि नशे के प्रभाव में इस तरह की वारदातें हो रही है। दरअसल इस घटना से पहले 72 घंटे के भीतर इसी इलाके में दो अन्य शव भी मिले थे, जिससे लोग दहशत में हैं। बता दें कि मंगलवार को एक बगीचे में एक महिला का शव मिला था, जिसको लेकर लोगों ने आशंका जताई थी कि वह सेक्स वर्कर हो सकती है। इस क्षेत्र में सेक्स वर्करों की गतिविधियां बढ़ रही है और इसे लेकर स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। हालांकि ताजा घटना में भी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही हत्याओं से लोगों में भय का माहौल है। एक शव जो महिला का मिला था, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और कल एक शव मिला था तालाब में, जो जिसके बारे में बताया गया कि वो महिला विक्षिप्त थी, आसपास रहती थी। उस बॉडी का भी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद अगर भागलपुर के नवगछिया में रविंद्र कुमार चौधरी की हत्या की साजिश कुख्यात अपराधी छोटुआ यादव और लव कुमार ने जेल में रची थी, जिसका पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि 20 अक्टूबर को नवगछिया के खादी भंडार के पास रविंद्र कुमार चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी लव कुमार को ढोलबज्जा से गिरफ्तार किया गया है। हत्या की प्राथमिकी मृतक की पत्नी नेहा कुमारी ने दर्ज कराई थी, जिसमें लव कुमार सहित तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था। दरअसल घटना की पृष्ठभूमि 2017 से जुड़ी है, जब लव कुमार और रविंद्र चौधरी के बीच मारपीट हुई थी। उस समय लव कुमार का सिर फट गया था, जिसके बाद रविंद्र ने लव को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया। इसके बाद रविंद्र को जेल भेज दिया गया। जेल में रविंद्र की भिड़ंत कुख्यात छोटुआ यादव के पिता रामरति यादव से हो गई, जिससे छोटुआ और लव कुमार ने मिलकर रविंद्र की हत्या की साजिश रची। वहीं लव कुमार जेल से छूटने के बाद छोटुआ यादव के भांजे दिलखुश यादव के संपर्क में आया। दिलखुश जेल से बाहर आने के बाद लव को बेंगलुरु से बुलाकर हत्या की योजना बनाई गई। इस दौरान विजेंद्र नामक व्यक्ति ने भी इस साजिश में भाग लिया और लव कुमार के खाते में 10,000 रुपया ट्रांसफर किया। 20 अक्टूबर को दिलखुश यादव, लव कुमार और एक अन्य साथी ने रविंद्र को नया टोला स्थित विजय यादव की गुमटी के पास गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और इस साजिश का पर्दाफाश किया है। बीते रविवार 20 अक्टूबर को रविंद्र चौधरी, जो कि नया टोला निवासी था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस क्रम में हमने पूर्व में लाइनर राजा कुमार को पकड़ करके जेल भेजा था। आज उसी क्रम में दूसरी गिरफ्तारी की गई है। लव कुमार, जो कि मुख्य अभियुक्त था, उसको आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। किस तरह का इसका संबंध है इस हत्याकांड में सर? रविंद्र और लव कुमार के बीच में 2017 में मैट्रिक का रिजल्ट देखने को लेकर के विवाद हुआ था, जिस क्रम में रविंद्र ने लव कुमार को गोली मारी थी एवं रविंद्र उसमें सजा काटने जेल भी गया था। इसको लेकर के बाद में फिर इनमें मारपीट हुई। जो ये लव कुमार है, इस पर भी रंगदारी का, लूट का एवं आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। जब ये जेल में गया तो इसकी पुरुषोत्तम कुमार उर्फ छोटू यादव से जेल में मुलाकात हुई। पुरुषोत्तम कुमार और रविंद्र कुमार के बीच में जेल में कुछ विवाद हुआ था, पुरुषोत्तम यादव के पिताजी रामरति यादव से मारपीट करने को लेकर के। इसी संबंध में अभी जो दिलखुश यादव जेल से बाहर आया है, उसको छोटू यादव के कहने पर उसकी दोस्ती हुई लव कुमार से, और इन दोनों ने मिलकर के एक अन्य अभियुक्त के साथ हत्या की साजिश को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, इसमें छोटू के पिताजी का भी योगदान था। छोटू के पिताजी से मारपीट हुई थी रविंद्र यादव की, जब वो जेल में थे। इसी क्रम में पहले लव कुमार जेल गया था अन्य कांड में, जिसकी छोटू यादव से पहचान हुई, एवं दिलखुश यादव, जो कि छोटू यादव का रिलेटिव ही है, इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। भागलपुर में छठ महापर्व के मद्देनजर छठ व्रतियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और छठ घाटों की तैयारी का निरीक्षण किया गया। शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बरारी पुल घाट से नाव पर सवार होकर विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। निरीक्षण में बरारी पुल घाट, मुसेरी घाट, हनुमान घाट, एसएम कॉलेज सीढ़ी घाट, आदमपुर घाट और मानिक सरकार लेन घाट शामिल थे। इस दौरान उनके साथ उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाज
समाहर्ता गरिमा लोहिया, नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर के रामदास, अपर समाहर्ता आपदा कुंदन कुमार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिनमें नियंत्रण कक्ष की स्थापना, बैरिकेटिंग, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और गोताखोरों की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा छठ घाटों पर पटाखे की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने पूजा समितियों के साथ समन्वय करके घाटों की सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि सभी व्यवस्थाएं छठ व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए की जा रही है और लोगों से अपील की गई कि वे कम भीड़ वाले घाटों का चयन करें।